बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यहाँ पर सुरानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सुरानी फूड किचन। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी है। आज हम बनाएंगे आम का अचार। इसके लिए हमने लिया है 3 किलो कच्चा आम और 1/2 किलो सब्ज मिर्च। हमने आम को बिल्कुल काट काट दिया है। हमारे साथ रहिए, वीडियो आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाइए कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हल्दी। अब हमने और मसाला नहीं डाला है, इसको हम छोड़ देंगे कल तक, क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो निकल जाए। कल हम इसको और मसाले डाल देंगे। ये बिल्कुल खुश्क हमने डाले हैं, इसको अब हम इस तरह रख देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, फिर हम इसको कल इसमें जो पानी निकाला हो भी हम पानी निकाल देंगे और मसाले भी डालेंगे। अब हम लिया है इसके लिए 2 किलो सरसों का तेल, इसको हम अब पकाएंगे। माशाल्लाह हमारा सरसों का तेल गर्म है, हम इसमें डाल देंगे आटे का तेल, क्योंकि अच्छी तरह पक जाए। माशाल्लाह हमारा तेल बिल्कुल तैयार होने वाला है, इसको हम छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए कल तक। फिर हमारा आम भी तैयार होगा और तेल भी ठंडा हो जाएगा। फिर हम आपके साथ मिलेंगे कल, क्योंकि मैं हमारा हम बिल्कुल रेडी होगा। इसमें फिर हम डाल देंगे, हम इससे पानी निकाल देंगे, उसके बाद हम मसाले डाल देंगे और ये तेल डाल देंगे सरसों का तेल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो अचार हमने कल डाला था उसको हम निकाल देंगे मट्टी के हांडी से, क्योंकि इसने अपना पानी छोड़ा है। ये अचार बनने का तरीका हम बता रहे हैं, ये ओरिजिनल तरीका है, पुराना तरीका है। इसके हम चम्मच के जरिए निकाल लेंगे, क्योंकि ये हाथ के साथ खराब होते हैं। हमारे अचार ने इतना पानी छोड़ा है,
ये पानी हम इसे निकाल लेंगे। देखो इतना पानी छोड़ा है हमने, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी दिया था। 1 टीस्पून राही दाना, 1 टीस्पून अजवाइन, 4 टीस्पून खुश धनिया कुटी हुई, 4 टीस्पून मेथी दाना, 4 टीस्पून कलवांजी, 4 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई और 4 टीस्पून जीरा साबित। इसमें अगर आप सौंफ डालते हो तो 4 टीस्पून सौंफ भी डाल सकते हो। हमने सौंफ नहीं डाला, इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करके अगर आपके पास मिट्टी के हांडी है वो तो सबसे बेहतर है, अगर मिट्टी की हांडी नहीं है तो पतीली में भी डाल सकते हो, प्लास्टिक के बाल्टी में भी डाल सकते हो। अगर आपके इलाके में छोटे सब्ज मिर्च है तो वह डाल दें, क्योंकि हमारे इलाके में अभी तक छोटा मिर्च नहीं आया है, इसी वजह से हमने ये डाला है। और अचार आम के लिए अगर देसी आम मिल जाए वो तो बहुत बेहतर है, अगर देसी नहीं मिल जाए तो घर में भी डाल सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर आप चीनी डालते हो तो 4 टीस्पून इसके ऊपर चीनी डाल दें। हम चीनी नहीं डाल सकते डालते क्योंकि हम चीनी नहीं खाते इसमें। इसके लिए हमने जो कल सरसों का तेल पकाया है वो अब हम डाल देंगे 2 चीनी सरसों का तेल। अब हमारा आम का अचार बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 8-10 दिन के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और छोड़ देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये तैयार होगा। फिर तकरीबन 1 साल तो रख दें, कोई बात नहीं, ये खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। अगले वीडियो तक हमको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।